لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। एक भाई ने ये सवाल भेजा है कि दम किस चीज को कहते हैं और दम क्यों और कब अदा करना पड़ता है। ये दम जो है मेरा भाई, ये आपने जो सवाल उम्रे और हज से मुतालिक किया है, तो अगर हज और उम्रे में कोई चीज रह जाए तो उसके ऊपर फिर दम वाजिब होता है। और दम होता है बेसिकली एक जानवर का ज़िबा करना, और इस जानवर का हरम में ज़िबा होना भी शर्त है। आप अपने मुल्क में भी नहीं कर सकते, सऊदी अरब के किसी और जगह भी नहीं कर सकते, तो इसको ज़िबा भी होना है और हरम में ज़िबा होना है। अच्छा, जैसा मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो उम्रा करने आया, लेकिन भाई साहब ने तवाफ़ मतलब उम्रे से पहले जो है वो एहराम ही नहीं बांधा, और एक दिन गुजर गया उनको, फिर उनको किसी ने बताया कि हजरत आपको तो एहराम बांध कर आना चाहिए था हुदूद हरम में। वो फिर हुदूद हरम से बाहर गए और उन्होंने एहराम बांधा और फिर आए, तो अब उनको एक दम पड़ गया है कि उन्होंने हुदूद हरम को बगैर एहराम के क्रॉस किया, और एक अरसा भी गुजर गया। ऐसा नहीं हुआ कि आए और फौरन चले गए, आए और फौरन चले गए। तो वो एक उलमा ने हल निकाला है कि आप दम से बच सकते हैं, लेकिन आप आए और आप रह गए, एक आध दिन गुजर गया, तो अब आप पे दम पड़ गया। या उन्होंने बाल जो है वो सफा मरवा दौड़ने से पहले काट लिए, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें, जो चीज उम्रे का हिस्सा है वो अदा ना की जाए, या उसमें कोई तकसीर हो जाए, या आपने सीक्वेंस चेंज कर दी, तो फिर दम पड़ जाएगा। तो दम क्या होता है कि बकरी आपने ज़िबा करनी है, कहाँ पर? हुदूद हरम में, तो ये दम होता है। अच्छा, जहाँ तक बाल काटने का ताल्लुक है, तो कुरान करीम की आया है, सूरह अल फतह की आयत है, ये है आया नंबर 27। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिलहक, ये आयत जो है नाजिल हुई थी ज़मन में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया से पैक्ट करके वापस आने के बाद अगले साल जब उमरा करने के लिए गए थे, तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, जिसको सीरत नबी में हम लोग काफ़ी डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ कि फिर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई और सहाबा को ये बताया कि वो जो मेरे नबी ने एक साल पहले ख्वाब देखा था, देखो आज हमने उस ख्वाब को पूरा कर दिया है। तो لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ, अब तो मस्जिद हराम में जो दाखिल हो गए तो हालत अमन में दाखिल हो गए। तो जब उम्रे से फारिग हो जाओ तो क्या करो? अब अल्लाह ताला ने दो चॉइसेस दे, क्या दो चॉइसेस थी? مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ, या तो तुम सारे सर के बाल मुंडवाओ, सारे सर के बाल मुंडवाओ, और ये अफजल है, और या फिर एक चौथाई 1/4 सर के बाल कटवाओ, उसको कहते हैं कसर करना, मुकस्सरीन, कम करना, कम कटाना, ओ मुकस्सरीन, या तो तुम कम कटाओ। तो बाज लोग इस बात के कायल हैं कि वो कसर ही कराते हैं, कि वो एक चौथाई ही कटाते हैं, और लेकिन ज्यादा जो है सवाब वाला काम और राजह तरीका साहबाए कराम में भी और इजमाए कराम में भी, इजमाए उम्मत में भी, वो यही है कि सारे सर के बाल मुंडवाए जाए। वो जो इधर उधर टक लगा लेते हैं ना, थोड़े से बाल इधर से कटा लिए, थोड़े से उधर से कटा लिए, फैशन भी ना जाए, तो ये जो है ना फिर उस पर दम पड़ जाता, फिर ऐसी सूरत में दम पड़ जाएगा, क्योंकि आपने ना एक चौथाई कटाए हैं ना सारे सर के बाल मुंडाए, या तो एक चौथाई कटा लो, सवाब भी कम लो, बाल भी कम कटाओ, या सारे सर के बाल मुंडवा लो, और फिर उसके बाद जो है वो सुन्नत के मुताबिक ज्यादा करीब भी है। और इन लोगों के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा दुआ फरमाई, और मुकस्सरीन के लिए 1 दफा दुआ फरमाई। तो हर लिहाज से सारे सर के बाल कटवाना बेहतर है, जो नहीं कटाते वो एक चौथाई तो कम से कम कटाएं, उससे कम कटाने पर फिर दम है, और दम यही है कि आपको बकरी ज़िबा करनी होगी हुदूद हरम में, ठीक है। अब इस बारे में जरा मेरा भाई केयरफुल रहना, हरम में ये वो कहते हैं ना, अल्लाह के घर में भी चोर चोरी से बाज नहीं आता,
ये बकरी मिलती है 350 रियाल की, वो कहते हैं जी 200 रियाल में हम करा देंगे। वो बिल्कुल झूठे होते हैं। 200 रियाल उन्होंने अपने जेब में रखने और गायब हो जाना, ना बकरी जिबा होनी है ना कुछ करना है। आपने 4 पैसे बचाने नहीं है, क्योंकि होगा ये जब आपको पता चलेगा आप फिर आओगे, अब आप पूरे पैसे दे के कटवाओगे। तो बेहतर है कि आप सही इदारों में जाएं, जहां पर वाकई में इसी तरह होता है, जो हुकूमत के इदारे हों या जो भी हुकूमत ने डेजिग्नेट किए हुए हों, वहां जाके आप अपनी रकम जमा कराएं या फिर खुद बकरी लेके जिबा करें, ताकि बात पक्की हो जाए और ये चंद पैसे बचाने के चक्करों में ना पड़े। तो बहरहाल ये जवाब था उम्रे और हज से मुतालिक दम की बकरी का। और हज में भी यही उसूल है कि जो चीज़ें रह जाएं फिर उन पर दम की बकरी होती है। और उमूमन जब आप उम्रे और हज में जाएं तो और इस तरह की कोई मसाइल पेश आ जाएं तो इससे पहले मसले पढ़ के जाएं, बहुत ज़रूरी है। अब तो हर ज़बान में किताबचे मिल जाते हैं, उलमा से रुजू करें, जो आपके सवालात हों ये सवालात उम्रे और हज से पहले करें, ताकि आपको दम तो ना पड़े ना मेरा भाई। और उसके बाद जब आए तो अच्छी तरह तैयार होकर आए, आपको पता हो मनासी के हज कैसे अदा करने हैं, आपको पता हो मनासी के उम्रा कैसे अदा करने हैं, कौन सा स्टेप कब होगा, उसके बाद कौन सा स्टेप होगा, हर चीज़ खुश उसलूबी से अच्छे तरीके से अदा करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कबूल फरमाने वाले हैं। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।